फिलहाल तो हम लोग भूल चुके हैं किधर से आए थे। तो कैसे हैं लड़कियों एंड लड़कों, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ अपने गांव से 20 किलोमीटर अंदर सुनरी मठ, जो कि नेपाल के जस्ट बगल में है। तो चलिए मेरे साथ सुनरी मठ और देखिए और इंजॉय कीजिए। तो हम लोग आ चुके हैं लड़ूबा और यहाँ से लेंगे लेफ्ट, देखिए है नहर। गांव का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ नो, इस होके रेलवे लाइन गुजरने वाली है कुछ दिनों में। पता वो जो बन रहा है रोड है क्या? हाँ वो रोड है, वो हम बन रहे हैं। अब आ चुके हैं खवासपुर, जो कि खवासपुर का जो मंदिर दिख रहा होगा, जो कि पहले के वीडियो में हमरा दिखाए होंगे आप लोगों को खवासपुर का दुर्गा मंदिर, तो उसमें जाके देख सकते हैं। यह है खवासपुर और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर क्यों जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं हम गाड़ी में तेल भरवाने, ठीक है। इधर एक पेट्रोल पंप है तो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। यह है खवासपुर का मेन मार्केट, जो कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि सस्ते दामों में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग इधर से हैं तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। इस रोड को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, देखिए सिंगल रोड है, जैसे कि बस आगे आई, बच्चे को देखिए, बच्चे ही बगल में थी, कुछ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जाए रोड को। चलिए चलिए गौरव, आप अपना बैलेंस खोलिए। तो बाइक में तेल ले चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग सुनरी मठ की ओर। यहाँ अगर आदमी रात में आएगा तो सीधे अगर कर दिया, सीधे चल गया तो देखिए घर टूट फूट जाएगा, कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड यहाँ चिपकाना चाहिए, जहाँ की यहाँ बाएं मुड़े दाएं मुड़े यहाँ पे लिखा रहना चाहिए। देखिए ये ट्रैक्टर वाला कैसे एक बाइक काट दिया, वो बाइक वाला बेचारा अगर नहीं मरता तो क्या होता। यही है ट्रैक्टर वाला सबका, थोड़ा देख के काटना चाहिए। यहाँ से अब जा रहे हैं हम लोग सुनरी मठ की ओर। देखियो सीन में चल भाओ। देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है, ये सूर्य की किरणें लग रहा है जैसे कि मस्त यार, गजब मस्त लग रहा है हमको। एक गाना नहीं था, मेला दिलों का आता है, हमको तो पूरा नहीं आता, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए रोड पूरा न्यू बना है, न्यू। अगर हाँ एक बात और, अगर आप लोग जो कमेंट करते हैं तो कमेंट में आप अपना नाम कमेंट कीजिए, ठीक। और देखिए रोड बनाने वाला ये मशीन है, रोड बनाने वाला, ठीक, पिचिंग करने वाला। और ये देखिए ये टेम्पो है जिसपे बांस लदा ले, ये मतलब कि रोड का जो गिट्टी होता वो है। और न्यू रोड, और कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, देखिए साफ सफाई कर रहे हैं। और देखिए फिर से सूर्य की किरणें, हमारा वीडियो में ज़्यादातर सूर्य की किरणें दिखी होगी आप लोगों को। देखिए फिर से सूर्य की किरणें, सूर्य किरणें नेचर के साथ हम आप लोगों को लेके चलते हैं, नेचर को दिखाने की कोशिश करते हैं, आखिर गांव कैसा दिखता है आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोग गांव आने की कोशिश करेंगे और गांव आएंगे और गांव को घूमेंगे। यह गांव का नाम है चिकनी, चिकनी हम लोग आ चुके हैं। देखिए एक घर जिसपे कि टट्टी का 2 मंजिला बना हुआ है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे सुनरी मठ, और यह है विद्यालय। यहाँ हमारे देश के वीर जवान रहते हैं, BSF रहते हैं, ये वही लोग का कैंप है।
जा रहे हैं हम लोग कहाँ, आप लोग को पता है बाबा का दर्शन करने, तो कुछ उसके बारे में जो भी हमको पता है, तो अगर गलती भी होगा तो कोई बात नहीं, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि ये बताया जा रहा, हम सुने हैं कि राम भगवान जो आए थे वनवास के दौरान, यहाँ पे आके ये भोले बाबा का पूजा किए थे, यहीं पे वनवास के दौरान ही, यही वो जगह आप हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए मेला लगा हुआ है वहाँ का, तो आप लोग को बस कुछ ही क्षण में बाबा का दर्शन आप लोगों को करने के मिलेगा। देखिए मंदिर दिख रहा होगा, कितना भव्य मंदिर है। तो देखिए ये है मेन गेट बाबा सुंदरनाथ का, तो इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आप लोग को दिखाने वाले हैं बाबा जी को। और आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ कहा जाता है जो कि मनोकामना पूरा मांगता है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे है ना मुरन किया जाता है, मुरन जो होता है बच्चा का बाल जो फर्स्ट बार किया जाता है, मुंडन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में, वो किया जाता है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल तो हम लोग भूल चुके हैं किधर से आए थे।